बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास फिफ्थ के मैथ्स में आप सबको वेलकम करती हूं। मैंने आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 14 है यूनिट नंबर 2 का, और पेज 26 पे हमारे पास ये क्वेश्चन हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको आज करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 56 माइनस 192 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 8 माइनस 68, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अपने नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास में जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। जिस तरीके से हमें ये रूल दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमने कौन सा ऑपरेशन इसमें सबसे पहले हमने करना होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में डिवीजन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है, जबकि बी ब्रैकेट हमारे पास नहीं है एंड ऑफ नहीं है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 56 माइनस 192 डिवाइड बाय 12, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा हम नेक्स्ट स्टेप में उसको उसी तरीके से राइट करके बाकी क्वेश्चन एज इट इज नीचे उतार देंगे। सबसे पहले हमने 192 को डिवाइड करना है 12 पे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन रफ वर्क में, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 16। 56 माइनस 16 प्लस 64 मल्टीप्लाई 8 माइनस 68, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 64 मल्टीप्लाई 8। हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 1152। 56 माइनस 16, ये स्टेप जहां आप कौन सा इसमें काम करेंगे उसी स्टेप को आपने, उसी नंबर को आपने चेंज करना है। बाकी जो नंबर्स एंड जो साइन लिखे हुए हैं वो आप एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। 56 माइनस 16 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 1152, वो राइट करेंगे, माइनस 68। अब इसके बाद हमारे पास इसमें एडिशन की बारी आती है। तो ऐड हम लोग ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं कि ये प्लस 56 है और ये प्लस 1152 है, इन दोनों को प्लस कर दिया, या अगर आप इन दोनों को एक के दूसरे के साथ लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए ऐसे इजी हो जाए। तो माइनस 16 माइनस 68 हो गया। अब 56 प्लस 1152 को प्लस किया, तो हमारे पास आंसर आया 1208। माइनस 16 माइनस 68, अब ये प्लस है और ये दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा जब मल्टीप्लाई होते हैं या ये एक दूसरे के साथ जब वर्क करते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं। माइनस माइनस प्लस मीन के इसके अंदर जो काम होगा वो प्लस का होगा, बट साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है। तो 16 और 68 को जब प्लस हम करेंगे तो हमारे पास, या अगर हम 1208 में से 16 को माइनस कर दें तो भी हमारे पास 1192 आ जाएगा। माइनस 68 हम कर लेते हैं, अगर इन दोनों को आप प्लस करके एक साथ इससे माइनस करें तब भी ठीक है, और अगर स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप में एक को माइनस कर दें, दूसरे को दूसरे में माइनस कर दें तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास अगर 1208 है माइनस 16 है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 1192 रह जाएगा माइनस 68, ठीक है, ये 68 रह गया है। अब हम जब 1192 में से 68 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1124, ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ब्रैकेट में 222 माइनस 18 डिवाइड बाय 12 प्लस 138 ऑफ 7 माइनस ब्रैकेट 69 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 707। इसमें हमारे पास अब
यहाँ दो ब्रैकेट मौजूद हैं, ऑफ भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है एंड सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है। इसमें हमारे पास हर चीज़ इसमें दी हुई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारे पास में 222 माइनस 18 है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 204 डिवाइड बाय 12 प्लस 138 और 7 माइनस ब्रैकेट 69 मल्टीप्लाई 4 माइनस 707। अब हमने नेक्स्ट इसमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 276 आएगा। तो 204 डिवाइड बाय 12 प्लस 138 और 7 माइनस 276, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है माइनस 707। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 204 डिवाइड बाय 12 ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 138 मल्टीप्लाई 7 आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 966, ठीक है। अब हम इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड का की बारी आती है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर 17 आ गया। 17 मल्टीप्लाई 138 मल्टीप्लाई 7 माइनस 276 माइनस 707। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17 प्लस 966 माइनस 276 माइनस 707 983। इन दोनों को प्लस करके आया है माइनस 276 माइनस 707। अब जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, चूंकि साइन माइनस के हैं लेकिन ये होते प्लस हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 983। और साइन जो है बड़े वाले का लगेगा जो कि बड़े नंबर के साथ होता है, तो माइनस लगेगा। तो 983 माइनस 983 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो है ज़ीरो। इस तरीके से आपने इन सब क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बाकी जो क्वेश्चन अपने रफ नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।